சூப்பர் சூப்பர் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் தமிழ்நாடு அவர் எப்படி மேத் எப்படி செய்றாங்கன்னு கேக்குறாரு என் விட் கிளாஸ் டு யூ ரீட் ஐ அம் ஸ்டடிங் 8th 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 नमस्कार इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन और वहां के मुख्य व्यंजनों का जायका आप तक लेकर आते हैं। इस समय हम दक्षिण भारतीय मंदिरों की यात्रा पर हैं और दक्षिण भारतीय यात्रा पर हमने सबसे पहले आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करवाए थे, फिर श्री सैलम मल्लिकार्जुन के दर्शन करवाए थे और उसके बाद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। और अभी हम रामेश्वरम से 150 किलोमीटर की दूरी पर मदुरई शहर में आ पहुँचे हैं। मदुरई शहर जाना जाता है मीनाक्षी मंदिर के लिए और साथ में यहाँ पर बनने वाली विश्व प्रसिद्ध साड़ियों के लिए। मीनाक्षी मंदिर के दर्शन और इतिहास हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो है मदुरई के मुख्य व्यंजनों का जायका। और हम भी जो जायके आप तक आज लेकर आएंगे वो मदुरई मंदिर के 200-250 मीटर के आसपास ही हों, ताकि जब भी आप मदुरई मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ तो आप इन जायकों का लुत्फ उठा सकें। मदुरई फूड टूर को हम 2 या 3 भाग में डिवाइड करेंगे। अभी हम मदुरई के मुख्य मीठे जो व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं उसके फूड टूर पर चलेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्वीट फूड टूर ऑफ मदुरई पार्ट 1। तो हम सब ने विदेशी डोनट्स तो बहुत खाए हैं, लेकिन आज हम आपको मदुरई में जो जायका दिखाएंगे वो शुद्ध भारतीय देसी डोनट्स का बताएंगे। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है SVT स्वीट शॉप। तो अभी हम मदुरई में एक खास तरह की स्वीडिश खाने के लिए आए हैं, मीठा खाने के लिए आए हैं। SVT स्नैक्स करके स्वीट्स करके यहाँ पर शॉप है, मंदिर के पास में ही है ये, मंदिर से हार्डली 700-800 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर इसको बोला जाता है आदि रसम। पूरा बनाने का प्रोसेस हम बताएंगे। जो मेन इन्ग्रीडियंट्स इसमें डाले जाते हैं राइस फ्लोर, चावल का आटा और जैगरी, उन दोनों का ही मेन मिश्रण बनाया जाता है। और उसमें इसको आटे को गोंद के जैसे भी ये करते हैं, लेकिन ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस डिश के। इन्होंने घोल बनाया शक्कर डाल के, इसमें कोकोनट भी है एंड उसके बीच में ये फिंगर डाल के उसको पूरा एक डोनट की शेप देते हैं। उसके बाद इसको एक एक करके देसी घी में डाला जाता है और फिर ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। और अभी हम इसको खाएंगे। यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाए जा रहे हैं कि मैं मतलब आ रहे हैं लोग 5 डोनट पैक कर दो, 10 डोनट पैक कर दो। डोनट नहीं बोल रहे यहाँ पर, हम बोल रहे हैं वो। यहाँ पर इसको बोला जाता है आधी रसम, आधी रसम भी कह सकते हैं और आधी रसम भी कह सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको टच किया बिल्कुल क्रिस्प है जी, बिल्कुल क्रिस्प, कोई इसमें सॉफ्टनेस नहीं है बाहर से, अंदर से अभी खा के देखते हैं। पूरा ब्राउन, बल्कि बड़ा अच्छे से इसको जो फ्राई किया। बाहर से जो पहली बाइट में बाहर से जो बिल्कुल क्रंची था और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे मैंने इसको खाया एकदम से जो आपको पहला फ्लेवर आता है वो जैगरी का आता है। और इसमें जो जैगरी शक्कर डाली गई है उसकी क्वांटिटी काफ़ी मिनिमम है, हल्की शक्कर है जो कि बहुत बढ़िया से इसके जायके को बढ़ा रही है। बाहर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, एकदम से घुल जाता है आपके मुँह में जाके। वेरी टेस्टी। मैंने अभी तक समझा ये पूरा प्रोसेस देख रहा हूँ जो मैं, तो इसको मैं अगर बोल लूँ कि देसी डोनट जो हम बोलते हैं, कि डोनट तो चलो आज की डेट में 10-15 साल से इतने फेमस हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मैं ये समझ चुका हूँ कि ये जो यहाँ पर बना रहे हैं ये आदि रसम, ये हमारी प्राचीन संस्कृति में ये देसी डोनट कई सालों से चले आ रहे हैं। इसका पर्टिकुलर वेट होता है और उसको 30 ग्राम से ऊपर नहीं जाने देते। पहले उसके ऊपर रखा जाता है वेइंग मशीन के ऊपर 30 ग्राम, सबसे थोड़ा सा कम हो फिर इसको शेप दी जाती है। और एक और मीठा जायका आपको दिखाएंगे जिसको मदुरई में घी पोड़ी कहा जाता है। महाराष्ट्र की पूर्ण पोली भी कुछ इसी तरह से बनती है, लेकिन वो मैदे की भी होती है और उसमें नारियल भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये घी पोली जो हमने पहले आपको बनाते हुए दिखाई थी, इसको लोग पैक करवा रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने मैदे की जगह इसमें जो गेहूँ का आटा उससे बनानी शुरू कर दी। तो मैंने बताया था कि गेहूं का आटा और अंदर जो फिलिंग है दाल की है, कोकोनट क्रस्ट, कोकोनट और शक्कर। यहाँ पर आपको साउथ में कोकोनट चाहे स्वीट डिश बना रहे हो या साल्ट डिश बना रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं अंदर पाया ही जाता है। कोकोनट की प्रेजेंस ऐसे है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में आलू नहीं होता, आलू के बिना कोई भी सब्जी अधूरी रहती है। इस डिश में मैं कहूँगा कि हर चीज़ परफेक्ट है।
ये देखिए किस तरह से पैकिंग चल रही है। आदि रसम स्टार्ट फ्रॉम दिस शॉप। यस, इट्स लाइक डोनट। डोनट लाइक डोनट। That is, it is not made maida. Donut will make maida. Sugar. This is rice both milk. Both is not good for health. But this one jangiri and rice flour. और यहाँ पर एक और स्वीडिश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये काले तिल डाले जा रहे हैं सब। Rice flour, jaggery और काले तिल। We're going to do the sida. This also now is going to put. This one yelli sida. छोटे छोटे से पीस बनाए जाएंगे इसके, और जो हमने अभी इसको खा के भी देख लिया इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि मैंने डाले तो उन्होंने 10-12 पीस थे, लेकिन मैंने उनसे और मंगवा के यहाँ पर कितना ज्यादा खा लिया इसको। नारियल दक्षिण भारत में एक विशेष स्थान रखता है, चाहे वो पूजा विधि हो या व्यंजनों में। ऐसा ही एक नारियल स्टेम से बनने वाला हेल्थी जायका हमने मदुरई की सड़कों पर जगह जगह देखा। नेम ऑफ द डिश? थेन्नई कुर्तु। थेन्नई कुर्तु। कोकोनट ट्री? कोकोनट ट्री। हार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री। देखिए इसको किस तरीके से पहले निकाला जा रहा है, जो कोकोनट ट्री का बाहर का शेल है उसको निकाला जा रहा है। ये आपको इधर तभी खाने को मिलता है जब कोई नारियल का पेड़ खुद पे खुद गिरता है, ऐसे नहीं। अगर वो खुद गिरेगा उसके बाद से इसको यहाँ पर लाया जाता है, और इसके बीच में जो कोकोनट ट्री का हार्ट ऑफ द ट्री जिसे बोलते हैं वहाँ से निकाला जाता है। वो डिश है खाने वाली, अभी आपको खा के बताते हैं कैसे है। एक लगाइए। इट इज़ स्वीट और साल्ट? स्वीट। ओके, इसको कैसे काटा जाता है? लेमन लेमन। हाँ, नींबू डाला जाएगा इसके ऊपर अब थोड़ा सा। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्थी होता है। हल्के हल्के स्लाइसेस हैं, ये देखिए टूटता ही जा रहा बीच में से। बड़े सुंदर है ये देखने में, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। 20 रुपए की ये इन्होंने हमें बनाकर दी है, लेकिन बहुत बढ़िया। ऐसे जायके आपको सिर्फ मदुरई में मिलेंगे। इसको अगर आप बिना नींबू के भी खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। वैसे नींबू से थोड़ा खट्टा हो गया। इसको ना हम स्वीट कह सकते हैं ना ही सॉल्टी कह सकते हैं, लेकिन वैसे ये जायका खाने में बहुत बढ़िया। जैसे नारियल की गिरी होती है उसमें फिर भी थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है, इसमें वो भी नहीं है। दक्षिण भारत में मदुरई शहर अपने अलग अलग हलवा की जो वैरायटीज हैं उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको हलवा की बहुत सी दुकानें मिलेंगी। अभी हम मदुरई के सबसे जो प्रसिद्ध है हलवा वाले, वो खाने के लिए आए हैं। पीछे आप देख सकते हैं प्रेमा विलास। इसकी जो लोकेशन है वो जो मदुरई का पेरियर बस स्टैंड है उससे बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही है। तो यहाँ पर हलवा मिलता है, 340 रुपये किलो इसका रेट है। और अगर आप अपने लिए एक बंदे के लिए लेना चाहते हैं तो ये आपको 18 रुपये में मिलता है। तो इस पत्ते में दिया जाता है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए पत्ता हमने खोल लिया। देसी की चक्कर और गेहूं के आटे से ये बनाया जाता है। देखने में अभी स्टिकी स्टिकी लग रहा है, खाकर देखते हैं कैसा है। और देसी की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने डाला हुआ है, पत्ता पूरी तरह से देसी घी से भरा हुआ है। इसको जब मैंने खोला था मेरे को लगा था काफ़ी स्टिकी होगा, लेकिन मुंह में जाते ये बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल रहा है और बहुत टेस्टी है। तो अभी मैं स्पेशल पूछ कर आया था कि मेरे को लगा कि कुछ और भी इसमें डालते होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये तीन चीज़ें ही हैं। कहाँ पर ये हलवा अलग हो जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा देर भूना जाता है, तो उससे जो हलवे का कलर भी देखिए कितना शानदार आ गया, जो टेस्ट भी है वो भी एकदम से अलग हो गया। मदुरई में आए तो इस हलवे को टेस्ट करना बनता है। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर हलवे फेमस है वो भी सर ने बताया। कौन कौन से हैं सर यहाँ पर? ये गाजर, गाजर का ये बादाम, बादाम हलवा, ये दूध हलवा, दूध हलवा, ये भी गेहूं का हलवा, इसे मस्कट हलवा बोलते हैं, नारियल तेल और नारियल दूध से बना। अच्छा, जो हमने खाया वो प्लेन वाला गेहूं का हलवा था, गेहूं का दूध का के ठीक कर, इसमें कोकोनट ऑयल, कोकोनट प्योर कोकोनट ऑयल, और क्या बोलते हैं इसको, मस्कट हलवा, मस्कट हलवा। ये देखिए इसके अलावा जो यहाँ पर एक किस्म की हलवे की दुकान में हलवा ही हलवे हैं यहाँ पर, ये बादाम हलवा, ये वाला कौन सा था?
गाजर, गाजर, बादाम, ये मस्कट हलवा और ये वाला दूध हलवा। ओके, और ये कब से आप कर रहे हैं इसमें? 1954 अराउंड 70 इयर्स। यू स्टार्टेड फ्रॉम हलवा और समथिंग एल्स? हलवा इज द बिगनिंग। ओके, बट द टेस्ट ऑफ दैट प्लेन हलवा इज ट्रेमेंडस। थैंक यू। नाउ आई विल टेस्ट दिस एंड लेट यू नो। अब ये खाते हैं बादाम का, ये देखिए बादाम का हलवा, बादाम, दूध, चीनी और देसी घी। ये बादाम का हलवा मावे की तरह लग रहा है, बहुत टेस्टी लगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक से एक बढ़िया हलवा है, कोई सा भी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है नहीं पिछले वाले से जो बढ़िया है। इस वाले गेहूं के हलवे को टेस्ट करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। द रीज़न इज पिछले वाला देसी घी में था, वो भी गेहूं का, ये भी गेहूं का, लेकिन इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया है अलग से। इसको यहाँ पर मस्कट हलवा भी बोलते हैं। जो मेन डिफरेंस आया पहले ही चम्मच में, वो कोकोनट ऑयल का जो फ्लेवर है, आपकी जैसे ही आप खाते हो आपकी जुबान पे तो कोकोनट का टच जो आता है वो पता लग जाता है। सबसे अच्छी बात जो मेरे को सभी हलवा में लगी कि चीनी जो जैगरी है, जो शक्कर है, उसकी क्वांटिटी कहीं भी ज़्यादा नहीं, वो उसकी जो मात्रा बिल्कुल जितनी चाहिए उतना ही डाला गया। ऐसा नहीं है कि बड़ा ज़्यादा स्वीट साइड पे कर दिया गया हुआ, क्योंकि अपने इनके इंग्रेडिएंट्स हैं मेन, जैसे गेहूं है या बादाम है, उनका टेस्ट बड़ा अच्छे से आ रहा निकल। लेकिन यहाँ पर एक से एक बढ़िया हलवा था, एकदम मज़ा आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये हलवा लगता है, दिन में ये गेहूं वाला जो हलवा है वो 50 किलो या इससे अधिक भी लग जाता है। यहाँ का रोज़ की जो हम कह सकते हैं कि जो ख़रीदारी है वो 50 किलो से ऊपर की है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हलवा यहाँ पर मदुरई में कितना ज़्यादा फेमस है। सुबह 5 बजे, 5 बजे हलवा अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। और रात को 10 बजे क्लोज कर देते हैं। रात को 10 बजे, 10 बजे तो अगर बस स्टैंड के पास जो प्रेमा हलवाई पे आप हलवा नहीं खाने पहुंच सकते, तो यहाँ पर आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है, और वो भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेस्ट टावर है यहाँ पर मंदिर का। जो बेस्ट टावर के बिल्कुल सामने ये 1901 की ओरिजिनल नागापट्टनम स्वीट शॉप, नागापट्टनम हलवा यहाँ पर आपको मिलेगा। हमने अपने लिए 50 रुपये का करवाया, तो यहाँ पर आकर आप इसका जायका ले सकते हैं। और 1901 से यहाँ पर हलवा ही बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ हलवा मिलेगा। 560 रुपये पर केजी इसका रेट है। अगर आप 50 रुपये का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वैसे 150 के पैक्स इन्होंने पैक करके रखे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स इसमें भी वही है, सिर्फ 4 चीज़ें, शुगर है, देसी घी है, दूध है और जो गेहूँ का आटा। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका भी। आज के फूड टूर का हम एंड करने लगे हैं एक यहाँ पर बेहद ही खास ड्रिंक से, जिसे बोला जाता है मदुरई में सुक्कू कॉफ़ी। इसमें ना तो दूध है ना ही कॉफ़ी है, धनिया पाउडर है, अदरक का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है और शक्कर डाली गई है, पानी डाला गया है और एक दो और मिसाले हैं। पानी जिसको हम सिमरिंग हॉट बोलते हैं, गर्म किया जाता है, और उसमें जो मसालों का इन्होंने इकट्ठा पाउडर बनाया हुआ है वो इसमें डाला जाता है, थोड़ी देर फिर गर्म किया जाता है और फिर जो कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाती है। ना ही इसमें कॉफ़ी है ना ही इसमें दूध है, लेकिन इसको सुक्कू कॉफ़ी बोलते हैं। डाइजेशन, कोल्ड एंड कफ के लिए ये सबसे बेस्ट है। ओहो सीधे ही जाके आपके गले को पकड़ती है जी। काली मिर्च और अदरक दोनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा, स्वीट होने की, मीठा होने की वजह से आप इसको पी सकते हैं आराम से, और ये हेल्थ वाइज बहुत बढ़िया है। अभी काली मिर्च नीचे भी कितनी पड़ी हुई है, शुरू शुरू में मेरे को ज़्यादा लगी थी, अब तो 5-7 सीप के बाद यूज़ टू हो गया हूँ, लेकिन नीचे देखिए कितनी काली मिर्च है अभी। जितना आज हमने सुबह से खाया ये अंत में सुक्कू कॉफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो यह था हमारा मदुरई का स्वीट फूड टूर पार्ट 1। अगले एपिसोड में हम आपको मदुरई में माँ मीनाक्षी के दर्शन करवाएंगे और यहाँ का इतिहास बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।